गाइस, कावासाकी निंजा 400 2023 वाले मॉडल के बारे में जानने के बाद आज आप लोग भी यही कहोगे, ओ गॉड, एक बार दिला दे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, एक कहावत है, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी। तो चलिए पहले दर्शन ही कर लेते हैं, फिर गुणों के विचार करेंगे। निंजा 400 का जो लुक है वो कावासाकी निंजा 300 से भी ज्यादा शार्प और एग्रेसिव है। इसके हेडलाइट्स में एलईडी का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफी ज्यादा सिमिलर है निंजा 650 से। और अगर बात करें इसकी टेल लाइट्स की तो ये कावासाकी निंजा H2 के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अभी आप लोग यही कहोगे कि भाई मोनोजॉय, इसमें तो फिर नया क्या है, इसमें तो सारा पुराने बाइक का ही डिजाइन को इस्तेमाल किया गया है। आपके इस सवाल का भी जवाब है मेरे पास, लेकिन उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस बाइक में 399cc का लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्यून मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमें एक स्लीपर क्लच के साथ 6 फीट गियर बॉक्स भी देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता कि स्लीपर क्लच क्या होता है वो लोग भाई प्लीज जाके थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, क्योंकि स्लीपर क्लच क्या है, उसका काम क्या है, वो काम कैसे करता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को पूरा नॉलेज आ जाएगा। अभी अगर बात करें इस बाइक की पावर की तो इसमें हमें 45 PS का पावर मिलता है एट 10,000 RPM और 37 Nm का पीक टॉर्क मिलता है एट 8,000 RPM। इस बाइक के सस्पेंशन के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया है, जिसमें हमें फ्रंट पे टेलीस्कोपिक और रेयर पे मोनोशॉक का इस्तेमाल देखने को मिलता है। अभी अगर बात करें इसकी ब्रेकिंग की तो इसमें हमें ड्यूल चैनल ABS के साथ फ्रंट पे 310mm का और रियर पे 220mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। बाइक का जो वेट है वो है 173 kg। और एक मजे की बात बताओ, इस बाइक में कावासाकी निंजा H2 के जैसा स्विंग आर्म टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई मनोजय, ये स्विंग आर्म टेक्नोलॉजी क्या है? भाई कोई आर्म बर्म स्विंग नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से बाइक और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अभी अगर आप लोगों को यह जानना है कि स्विंग आर्म टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, मैं वीडियो बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये कह सकते हो कि ये बाइक एक छोटे पैक में बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इतने सारे मॉडर्न सुपर बाइकों के फीचर्स होने के बाद भी इसका जो एक्स शोरूम प्राइस एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है अराउंड 4.99 लाख, व्हिच इज लाइक वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द पावर्स एंड फीचर्स जो हमें मिल रहा है कि नहीं। 2023 में आप कौन सी नई बाइक लेने वाले हो वो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो से अगर कुछ भी नया जानकारी मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और भाई कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करोगे कमेंट करोगे तो उससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि आप लोग ही जानते हो कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है कि नहीं भाई। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हमें इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा, हम आपके सामने नए नए टॉपिक्स कैसे लाएंगे? तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो मर्जी आए वो करो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना मांगता है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्रेजी मोटर के साथ। तो तब तक के लिए बी सेफ, ड्राइव सेफ, बिकॉज लाइफ हैज नो स्पेयर।